कहाँ हो? वही जहाँ हम पहली बार मिले थे। किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। गणपति बाप्पा मोरिया, पापा देवा तुमसे खूब खूब आभार। आज की सारी रस्में बहुत अच्छी तरह से पूरी हो गई। चल विराट, सही तुम अपने कमरे में चलो। हुआई, आखिरकार मुझे इस भारी साड़ी से आजादी मिलेगी। पहले तुम अपने कमरे में तो चलो। सनी, विराट को लेके आओ बेटा। ठीक है, चलो भाभी। सी यू वीरू। सर सर सर, किस मी किस मी किस मी, सर सर, लव मी लव मी लव मी। क्या कर रहे हो? चुप, कुछ भी। चलो कमरे में चलो। आई, आप लोग क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मुझे मेरे कमरे का रास्ता पता है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे भाभी, ऐसे कैसे अकेली चली जाएंगी आप? आज तो आप जहाँ जाएंगी हमें पाएंगी, क्यों शिवानी बुआ? हाँ सही, आज तो हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों मेरी बहू को सता रहे हो? वही नहीं, आज तो बनता है ना। गुड नाइट। अरे एक मिनट भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुक जाओ हमारे साथ। करिश्मा, मुझे बुआ जी, मुझे ये कपड़े नहीं झेले जा रहे, मुझे साड़ी बदलनी है। मेरी प्यारी भाभी, बदल लेना, वैसे भी आप बहुत थक गई होंगी, किसी को आ जाने दीजिए जो आपकी ये सब में हेल्प करते हैं। जो कुछ भी बोलती मतलब रहती है। आप सब यहाँ क्यों खड़े? चलिए। हाँ तो भाभी, कैसी लगी आपको मेरी सजावट? है ना दाडो सुट्टो? है ना रोमांटिक? चलो इस सब की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। चलो अब तुम दोनों थक गए होंगे, आराम करो। आई, हाँ आप रुक जाइए ना मेरे पास। बिल्कुल बुद्धू है। सही, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग कल बात करेंगे। गुड नाइट, बैठो। एंजॉय। बात है मेरा तुमसे भाग्य, अपने दिल में अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। पाखी, 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 आप कहाँ जा रहे विराट सर? शादी की ये पहली रात और जिंदगी की नई शुरुआत, तो मैं बहुत मुबारक हो विराट। गुड नाइट। बाकी एक मिनट, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? सॉरी विराट सर। हमारे बीच एक डील हुई थी और आपको उस डील का मान रखना होगा। यह आपके लिए खास होंगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। और इतनी रात को इनके साथ बैठकर इनका मन बहलाना
हमारी डील का पार्ट नहीं है। मैं काफी थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। Excuse me? कहाँ सो? सही, तुम वहां कहां? मैं यहां सो जाती हूँ, अब बेड पर सो जाइए। वहां चेयर पे ठीक तरह से नींद नहीं आएगी, यहाँ आ जाओ। हम दोनों एक बेड पर? हाँ, बहुत जगह है, दो जन आराम से सो सकते हैं। सही, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये शादी एक समझौता है और ये हमेशा समझौता ही रहेगी। घबराओ मत सही, मुझे मेरी हद बहुत अच्छी तरह से पता है, जो मैं कभी पार नहीं करूंगा। लेकिन विराट सर, अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं इधर सो जाती हूँ। एक मिनट, अगर तुम इस तरफ ज्यादा कंफर्टेबल हो तो यहाँ सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगा। नहीं प्लीज। विराट सर, थैंक यू। तुम्हें मुझसे कहा था ना? विराट सर एक मिनट रुकिए। मुझे नहीं पता था आप मेरी हर बात मानते हैं। अच्छे से खाइए, आपको सबका काफी ध्यान रखना है, घर के साथ साथ काम पे भी जाना है। ठीक से खा लीजिए, बहुत कुछ संभालना है आपको। ये आपके लिए खास होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं काफी थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था आप मेरी हर बात मानते हैं। ठीक से खा लीजिए, बहुत कुछ संभालना है आपको। ये आपके लिए खास होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। No, actually, thank you. मेरी बात समझने के लिए कि काकू मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बात संभालने का तरीका थोड़ा अलग है, अजीब है। अजीब? आपको मैं अजीब लगती हूँ? नहीं नहीं, अजीब नहीं, काफी अजीब। अरे तुम कब क्या बोल दो, कैसे बोल दो, किसे बोल दो, ये कौन जानता है? किसी को नहीं पता। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कमल सर ठीक कहते थे, तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा बैठा रहता है, पर उसे कहीं ज्यादा तुम्हारे दिल में प्यार है सबके लिए। तुम ना किसी के साथ गलत करती हो, ना किसी के साथ गलत होते देख सकती हो। कमल सर में भी ये गुण थे। कमल सर एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक सच्चे, ईमानदार और इंसाफ पसंद इंसान भी थे। I'm sorry, say. मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। नहीं। सही, कमल सर की आखिरी इच्छा थी
कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं। और देखो, हालात ने हमें इस शादी के बंधन में बांध दिया है। आज मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हमारी ये शादी ना हुई होती तब भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। तरस खा के एहसान करने के लिए नहीं, सही फर्ज के लिए। और उसी फर्ज को निभाने के लिए मैं चाहता हूँ कि बाकी तुम्हें गाइड करे, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, तुम्हें और मैच्योर बनाए। आपको क्यों लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूं? मैं मैच्योर हूं। बाकी दीदी मुझे गाइड करे ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हें बाकी से प्रॉब्लम क्या है? बाकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज भी जब मैंने उसे थोड़ी देर के लिए रोका, कितनी बदतमीजी से बात की तुमने उससे। मुझे बस उसका हालचाल पूछना था, स्पेशली क्योंकि लोगों ने उससे जिस तरह से बात की थी वो, और तुमने रात के 1 बजे वो आपके कमरे में होती और कोई देख लेता तो अच्छा लगता। बाकी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत उदास हो गई वो। और तो और सम्राट शादी के दूसरे दिन ही चला गया था। अगर आपका बाकी दीदी से बात करने का इतना ही दिल कर रहा है तो जाइए, रात भर बैठ के बातें करिए आराम से। वो देख से टकराए ना तो सींग निकल आते हैं। कुछ भी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसी एंग्री यंग वुमन भी ऐसे छोटी सी छिपकली से डर जाएगी। डरती तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, बस छिपकली से ना थोड़ा घबरा जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बचपन में ना एक छिपकली ने मुझे बहुत परेशान किया था, बस तभी से। बाकी क्या हो, सब ठीक है? सॉरी विराट, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे भी ऑकवर्ड फील हो रहा है, मैं यहाँ इस वक्त। वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तुम्हारे पास कोई दवाई होगी? आई एम सॉरी, लेकिन अरे सॉरी की क्या बात है, मैं अभी आया। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हें नींद आ रही थी ना? नींद आती उससे पहले आप आ गई। बाकी ये लो। थैंक यू। क्या हो? आज पता चल गया विराट, तुम झूठे ही नहीं, तुम धोखेबाज भी हो। क्या? जब तुम वादे निभा नहीं सकते तो फिर करते क्यों हो? क्या बोल रही हो तुम? बाकी हुआ क्या है? हुआ क्या है? सब
खुद साफ साफ दिख रहा है विराट, तुम पूछ रहे हुआ क्या है? क्या साफ साफ दिख रहा है पाखी? ये तो तुम्हें पता अभी सही के साथ बस करो विराट, और कितना झूठ बोलोगे? पाखी दीदी आप अपने कमरे में जाइए, रात काफी हो गई है और वैसे भी आपका सिर दर्द हो रहा था ना। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी। बेहतर यही होगा तुम अपनी सलाह और अपनी बदतमीजी अपने पास रखो। पाखी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।